नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। यमुना एक्सप्रेस वे पर विमान की लैंडिंग। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेस वे पर गुरुवार को एयरफोर्स के लड़ाकू विमान की लैंडिंग की गई। सुबह 6:45 पर एयरफोर्स का विमान मिराज 2000 एक्सप्रेस वे पर दो बार उतरा। ये लैंडिंग आपात स्थिति के मद्देनजर हालात से निपटने को लेकर की गई। एक तरह से इसे ट्रायल लैंडिंग कहा जाता है। इस दौरान ट्रैफिक को रोक दिया गया, जिससे एक्सप्रेस वे पर लंबा जाम लग गया। विमान 1 मिनट तक रुका और उसके बाद उसने अपने गंतव्य के लिए दोबारा उड़ान भरी। अलकायदा ने मुंबई हमले को बताया मुबारक अभियान। पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के ठिकाने से मिले अलकायदा के एक दस्तावेज में साल 2008 में लश्करे तैयबा के आतंकवादियों द्वारा किए गए मुंबई हमले को जाबाज फिदाई और पुणे के जर्मन बेकरी पर हमले को शानदार बड़ा धमाका बताया गया है। दस्तावेज में अलकायदा और उससे जुड़े संगठनों से कहा गया है कि अमेरिकियों तथा ब्रिटेन, जर्मनी और भारत सहित अमेरिका के साझेदार देशों के लोगों को आतंकी हमले में मारा जाए। इसमें कहा गया है, ग्लोबल मुजाहिदीन का मिशन वैश्विक स्तर पर अमेरिकी आर्थिक लक्ष्यों को निशाना बनाकर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को तबाह करना है। समलैंगिक बेटे के लिए वर की तलाश। एक महिला ने अपने समलैंगिक बेटे का वर ढूंढने के लिए एक अखबार में वैवाहिक विज्ञापन दे दिया। विज्ञापन से एक बार फिर समलैंगिकता पर बहस तेज हो गई है। शहर के मिड्डे अखबार में प्रकाशित विज्ञापन में कहा गया है कि एनजीओ में काम करने वाले मेरे बेटे के लिए 25 से 40 साल की उम्र का एक अच्छा नौकरी करने वाला पशु प्रेमी शाकाहारी वर चाहिए। पद्मा अय्यर द्वारा दिए गए इस विज्ञापन से सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई है। एक तरफ समलैंगिक कार्यकर्ता इसका समर्थन कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ भारत में समलैंगिक गैर कानूनी होने का हवाला देते हुए एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं।